हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से एडमिशन नोटिस जारी किया गया है एकेडमिक सेशन 2022-23 के एडमिशन के रिगार्डिंग। क्या दिया इस एडमिशन नोटिस के अंदर, जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहेगी, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रोग्राम के जो आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 20 जुलाई से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपका एडमिशन का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो गया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं आपके एडमिशन फॉर्म। लास्ट डेट क्या रहेगी एडमिशन करवाने की, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, 5 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेस पर आपकी एडमिशन होगी, कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट UTD रोहतक, आप MDU कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MDU कैंपस के अंदर। तो सेकंड जो ऑप्शन है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज MDU CPS गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर आप MDU की जो ब्रांच है गुरुग्राम में वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर जो थर्ड ऑप्शन है एंड अफिलेटेड डिग्री कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23, या फिर आप MDU से जो अफिलेटेड जो कॉलेज है जैसे नेकीराम गवर्नमेंट जो आपका कॉलेज हो गया, या फिर अन्य जो कॉलेज है जैसे वैश कॉलेज हो गया, अगर आप अन्य किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो MDU से जो अफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, MDU कैंपस रोहतक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है MDU कैंपस की जो ब्रांच है गुरुग्राम में वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है MDU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज है रोहतक में हो गए, जैसे सोनीपत में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में, जहाँ पर भी MDU से एफिलेटेड डिग्री कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप करना चाहते हैं। एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। कैंपस के अंदर कौन कौन से कोर्स रहेंगे, जो MDU की जो ब्रांच है उसमें कौन कौन से कोर्स रहेंगे, और जो एफिलेटेड जो डिग्री कॉलेज है उनमें कौन कौन से कोर्स रहेंगे, कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MDU कैंपस के अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं MDU कैंपस रोहतक। अगर आप MSc करना चाहते हैं तो कितने सब्जेक्ट से आप MSc कर सकते हैं, MSc इन फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, जेनेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस एंड MSc मैथमेटिक्स। इन सभी सब्जेक्ट से आप MSc कर सकते हैं अगर आप MDU कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप MA करना चाहते हैं तो कितने सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं MDU कैंपस के अंदर, MA इन एजुकेशन, MA इंग्लिश, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, फाइन आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड MA योगा साइंस। आप इतने सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं MDU कैंपस के अंदर। इसके बाद अगर आप MTech करना चाहते हैं तो कितने सब्जेक्ट से MTech कर सकते हैं, MTech विद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद है MTech कंप्यूटर साइंस से, इन सभी सब्जेक्ट से आप MTech कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो कितने सब्जेक्ट से एम फार्मेसी कर सकते हैं, MBA करना चाहते हैं तो कितने सब्जेक्ट से कर सकते हैं, MBA जनरल, MBA ऑनर्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड MCOM आप कर सकते हैं MDU कैंपस रोहतक के अंदर। इसके बाद अगर आप LLB करना चाहते हैं ओनर से आप कर सकते हैं, 3 साल का आपका एक कोर्स रहेगा, LLM कर सकते हैं, LLM SFS आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट MCA, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इन सभी कोर्सेज में आप MDU कैंपस के अंदर ले सकते हैं एडमिशन। इसके बाद MDU की जो ब्रांच है
उसमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, एमबीए जनरल एंड एलएलबी ऑनर्स थर्ड ईयर जो आपका 3 साल का जो प्रोग्राम है, जो आपकी एलएलबी जो 3 साल की होती है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद एलएलएम ठीक है दोस्तों, और एमबीए में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद एमडीयू से एफिलेटेड जो भी डिग्री कॉलेज हैं उनमें आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप एमए इंग्लिश से कर सकते हैं, एमए हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, योगा साइंस एंड एजुकेशन। इसके बाद अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से, बॉटनी से, बायोकेमिस्ट्री से, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स से एंड एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं एमडीयू से एफिलेटेड जो भी डिग्री कॉलेज है। इसके बाद एम वोकेशनल इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एम कॉम, एम लिब एंड एम बी ए, एम सी ए एंड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इन सभी कोर्सेज में आप एमडीयू से एफिलेटेड डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी सीट रहेंगी, क्या फ़ीस रहेगी, कौन से कोर्स की, एडमिशन के रिगार्डिंग और कोई डाउट है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोस्पेक्टस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप केयरफुली जो पूरा प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, क्या फ़ीस है, कौन कौन से कोर्स है, ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट है, सभी जो आपके डाउट है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एमडीयू की वेबसाइट से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं www.mdu.ac.in। अगर आप इस एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस एडमिशन नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है आप एमडीयू से एफिलेटेड डिग्री कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, एमडीयू की ब्रांच में कौन से कोर्स रहेंगे, अगर आप एमडीयू कैंपस रोहतक में एडमिशन लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट एमडीयू कैंपस या फिर एमडीयू एफिलेटेड कॉलेज में कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। 20 तारीख से आपके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, 5 अगस्त आपके एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी का। ठीक दोस्तों, एडमिशन के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।